खंडवा जिले के मुंदी नगर में पहुंचे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी, प्रतिभा रघुवंशी भी मौजूद रहे। वहीं जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित किया और जनता से अपील करते हुए कहा कि उत्तम पाल सिंह को जिताओ, हम चार इक्के हैं, हम चारों मानधाता के विकास के लिए खड़े रहेंगे। वहीं प्रतिभा रघुवंशी और कुणाल चौधरी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह को विजय दिलाने की बात कही। वहीं जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ आने वाले हैं और शिवराज जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश का एक मंत्री कमलनाथ की हत्या करने की बात कहता है और शिवराज सिंह चौहान पूर्व भारतीय जनता पार्टी मौन है। मध्य प्रदेश में 28 सीट हम कांग्रेस में लाना चाहते हैं। वहीं मीडिया ने शिवराज सिंह चौहान की आलोचना वैक्सीन के बारे में सवाल किया। वहीं मीडिया ने शिवराज सिंह चौहान की कोरोना वैक्सीन के बारे में सवाल किया तो जीतू पटवारी ने जवाब दिया कि आप देखिए शिवराज सिंह चौहान कितने गिर गए हैं, वह वैक्सीन आई नहीं और फिल्म बांटने की झूठी बातें कर रहे हैं। मुंदी शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने देखा, उनका एक मंत्री कमलनाथ जी की हत्या करने की धमकी देता है और शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है, ये बताता है इनके चाल चरित्र और चेहरे को। मध्य प्रदेश की जनता समझे कि पहले इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, चीरहरण किया, तार तार किया मध्य प्रदेश के सम्मान को, और अब इन्होंने हिंसा की राजनीति पर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है 28 की 28 सीट, फिर से नोट, 28 से 28 सीट, दिल्ली जैसे रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश के परिवारजन लाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ मानधाता सीट, ये जन समूह बताता है कि भारी तादाद में उत्तम हमारा छोटा भाई बहुत ताकत से चुनाव जीतने वाला है कि नहीं। धन्यवाद भैया। भैया मध्य प्रदेश के चुनाव में कोरोना की वैक्सीन की एंट्री हो गई है। अब आप देखो कि शिवराज सिंह जी कितने गिरेंगे, जो वैक्सीन आई नहीं उसको देंगे फ्री, फिर पता चला अब गरीबों को दूंगा, उससे पहले जिनको कोरोना हो गया था उनका इलाज मुफ्त कराऊंगा। इलाज में 5 लाख रुपए में एक आदमी ठीक हुआ, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, अन्यथा जमीन और घर नहीं बेच पाया तो मर गया, ऊपर चला गया, 1000 से ज़्यादा लोग सुहा हो गए। शिवराज सिंह का झूठ, पाखंड, उनका लोगों को बरगलाना और झूठ बोलने की प्रवृत्ति मैं समझता हूँ कि घर घर पहुँच रही है। शिवराज की 21,000 घोषणाएं झूठी अधूरी है, उसमें ही वैक्सीन भी एक जुड़ गई। समृद्ध गरीबों को मदद करने की बनाई थी, पर 15 महीने 12 महीने संभव नहीं था, सत्या संभव नहीं था, पता नहीं था कि नारायण पटेल भिंडी के भाव बिक जाए, पता नहीं था। मैं मानता हूं कि ये सब भावना है, कमलनाथ जी को 1-5 साल का अवसर हम सबको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जहां तक नारायण पटेल जी का सवाल है, वो कहते हैं कि मैं नहीं बिका, कहते हैं क्या, यही कहते हैं नहीं बिका। अच्छा बिक्यो कि नहीं बिक्यो, फिर से बताओ बिक्यो कि नहीं बिक्यो, नहीं यार ढंग से आवाज पछेगा नहीं लगे रही, आधा मन सा बिक्यो या नहीं बिक्यो। नारायण पटेल जी सुनो, तुम कितने भी कहो कि मैं नहीं बिका, जन जन को, घर घर को, बच्चे बच्चे को, भाभियों को, भाभी बिक्यो कि नहीं बिक्यो, नारायण पटेल बिक्यो कि नहीं बिक्यो, बिक्यो नहीं देखिए। अच्छा ये बताओ, अहिमी की बात तो नहीं करा भैया, आवाज आ रही है दुपट्टा वाला भैया, बिक्यो नारायण पटेल बिक्यो, बिक्यो देखो वो भी किरियो बिक्यो, वो अंदर बैठा भी किरिया बिक्यो, भाभी तभी हाथ ऊपर जो बकरी बैठी, नारायण पटेल बिक्यो कि नहीं बिक्यो, बिक्यो देखिए सगड़ा किरिया बिक्यो। तो नारायण पटेल जी अब तुम भिंडी का भाव बिकी गया तो एक्सा सस्तो तो कहीं आवन दे, और इतना सस्ता आदमी का तो हम वोट नहीं दांगा, दोगा कहीं, पक्को नहीं दोगा। अब मूल मुद्दा की बात, हमारा उत्तम हमारो भाई है, परिवार को साथी है, जसो बाप के तुमने देखे उससे भी 2 गुना आगे है, ईमानदारी से सेवा करोगे, इको पूरो जीवन राजनीतिक क्षेत्र में तुम्हारो आशीर्वाद इको मिलतो रहे, इतनी ताकत से सेवा करेगो कि हर बार तमी का पसंद कर, इका एक अवसर मिलनो चाहिए कि नहीं मिलनो चाहिए। नवा बच्चा ना यूथ जो जितना भी पूरी विधानसभा में, बड़ा बुजुर्ग ना, एक बार उत्तम कदम चुनो, ये उत्तम अकेलो नहीं रहेगा, एक सचिन बिरला, एक कुणाल चौधरी,
एक उत्तम एक हूं, चार इक्का इत्ता इक्का सगड़ा मानदाता का विकास में लगाऊंगा, चिंता मत करो जो मानदाता को विकास। नारायण जी ने क्यों दिए ठाकुर साहब ने कि हमने महारा टेम पर बहुत कराया, जितो कराया तो बुधनी बनी हो, पर हम एक बात भी कहीं कहीं करी गुजरांगा नारायण दादा, तुम देखता रहो जो कि हम भी आज का छुड़ाना। जहाँ तक सचिन बिरला का सवाल है, ये निमाड़ में मेरा लक्ष्मण है और ये मेरा शत्रुघ्न बने, इतनी व्यवस्था आप करके देना। मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी और उत्तम के लिए वोट मांग रहा हूँ। भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।